श्याम रे देखो ने खबर सुरतिया सजन के Thank you.
से जाते थे ना जाने कितनी प्रकार की चुंदरी में दाग लगाकर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है हम सब राही आना और जाना मोसाफिर खाना है, ये संसार मोसाफिर खाना है, किसी का घर यहाँ अपना नहीं है, आए हैं फिर चला जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना ही है। राजा रंग फकीर जितने हैं सबको जाना होगा, ज्ञानी ध्यानी संत महंत राजा प्रजा जोगी जंतु तपी सबको यहां से जाना होगा, कोई यहां रहने के लिए नहीं आए हैं। सुने हैं कोहबर के घर लौकत नहीं जन्म के भयो बदनामी, परमात्मा की घर दिखाई नहीं पड़ता है, अंधा हो जाती हो और जन्म जन्म की बदनामी कलंक की टीका ही लग जाता है, फिर यह मनुष्य का सर तन नहीं मिलता है। 84 लाख जीवों में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम मानव को माना गया है, सबसे ऊंचा ही स्थान देवता से भी ऊंचा स्थान है मनुष्य का। अगर अच्छे ही कृति करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं तो परमात्मा और आप अपनी जगह पर बैठा रहते सदा के लिए, अजर अमर बना देते हैं, आना और जान से मुक्त कर देते हैं मालिक।
सारी दुनिया के संसार की खुशियां लेकर देते हैं। कोहबर के घर लोकत नहीं, जनमत भय बदनाम रे, देखो ने पबनी सुरतिया सजन के, गोर वरन अति श्याम रे, देखो ने पबनी सुरतिया सजन के, गोर वरन अति श्याम रे, गोर वरन अति श्याम रे, गोर वरन अति श्याम रे, देखो ने पबनी सुरतिया सजन। गोस्वामी जी लिखे हैं रामायण में, बिनु पग चलाही सुनाही बिनु काना, बिनु पग चलाही सुनाही बिनु काना, करे विध कर्मा कर विधि नाना, राम सियाराम सियाराम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, करे विधि कर्म कै विधि नाना, नाए नाशवान शरीर है परमात्मा का, ना कोई रंग और रूप है, ना हाथ ना पांव है, हम और आप एक माध्यम है, और ये काज को संसार को चलाने वाला कोई और पुरुष है जो चला रहे हैं, और उनका देखने का एक ही आवश्यकता है, देख सकते हैं, कैसे देखेंगे? फिर लिखे हैं गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए तो परलोक स्वभाव। शरीर ये साधन की धाम है, भगवान को प्राप्त करने की ये धाम है, ईश्वर को प्राप्त करने की है। यदि शरीर में साधन हो जाए, झूठ और चुगली बेईमानियों से, भेदविचारियों से, जीव हिंसाओं से, ये पंच पापों से अगर हम दूर हैं, तो राम को प्राप्त कर लेंगे। ये साधन हुआ, इसी शरीर में साधन हो सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, पशु और पक्षियों नहीं। हे भक्तजनों, जब हम पशु इंद्रियों को बस कर लेंगे, बैठेंगे चाहेंगे ये दोनों नेत्र जो है चांद और सूरज, ये हम परमात्मा को देखेंगे, शायद जीवन में कभी नहीं देख सकते। जब तक अंदर की दिव्य ज्ञान ऐसे मनुष्य के पास ये चार ही नेत्र है, लेकिन मात्र अभी दो ही नेत्र है जो संसार को देखते हैं, वो दो नेत्र जो है सो अंदर है, वो दिव्य ज्ञान है। जब साधन में आएंगे तो अंदर की पट खुल जाती है, तो उस राम को देख लेंगे। इस मंदिर में सब कहते हैं, ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना काशी कैलाश में, एक पल में ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मानव, हे भक्तों, तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर हूं। इतना ही नहीं कहते हैं, काया काशी है, काया ये काशी है, मन मथुरा है, और दिल दरगाह है, कहां तुम जा रहे हो? मैं तेरा अंदर हूं, बस खोजने
मन सुंदर बनाकर खोजे तो मैं एक पल में मिल जा सकता हूँ, नहीं तो जीवन चला जाएगा, मैं नहीं मिल सकता। प्रेम से बोलियो सतगुरुदेव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।